आप इन दोनों फोटो को गौर से देखिए। इन दोनों फोटो को एक चीज अलग करता है, इनके सर पर बांधी हुई पगड़ी। इस भगवे पगड़ी के पीछे की कहानी कुछ ऐसा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन तोड़कर राजद के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना लेते हैं। तब सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांधते हुए यह कसम लिया कि जब तक बिहार में भाजपा की सरकार नहीं बनती है तब तक वह इस पगड़ी को नहीं खोलेंगे। जो सम्राट चौधरी आज बिहार की योगी के नाम से जाने जा रहे हैं वह बिहार के भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ही एक पोस्टर पटना के हर एक चौराहे पे दिखने लगा, जिसमें बिहार का योगी का टैग सम्राट चौधरी को दिया गया है। सम्राट चौधरी का राजनीतिक जीवन 1990 में चालू हुआ। सबसे पहले 1999 में वह RJD के सरकार से कृषि मंत्री बने। सन 2000 और 2010 में परवत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। 2014 में जीतन राम मांझी के सरकार में अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग के मंत्री बने और सन 2018 में RJD छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद 2022 में नीतीश कुमार के सरकार में पंचायती राज मंत्री बना दिया गया। इनके राजनीतिक जीवन के प्रगति का श्रेय इनके पिता शकुनी चौधरी को दिया जाता है, जो समता पार्टी के संस्थापक हैं। शकुनी चौधरी कुशवाहा समाज के दिग्गज नेता हैं और वह खुद ही विधायक और सांसद रहे हैं। अब सवाल खड़ा यह होता है कि बिहार में बीजेपी के इतने बड़े बड़े नेता होने के बावजूद भी बीजेपी सम्राट चौधरी के हाथ में इतने बड़े जिम्मेदारी को कैसे सौंप दिया, जबकि इनके पास्ट में बीजेपी के साथ उतना अच्छा रिलेशन नहीं रहा है। मंत्री जी सुन लीजिए, 69% जवाब भी आपका आया है, 11 जवाब कार्यालय में आया होगा, विभाग में थोड़ा नहीं ठीक है, बहुत व्याकुल नहीं होना है, आपस लीजिए सबको, आपस लीजिए, बहुत व्याकुल नहीं होगी। जब नीतीश कुमार के सरकार में बीजेपी कोटा से पंचायती राज मंत्री बने थे तब विधानसभा में बीजेपी के ही स्पीकर से इनका कुछ अच्छा व्यवहार नहीं रहा था। बिहार की जनता से कहना चाहता हूँ, आपकी ताकत खाली नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हो जाए, नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे, कहीं बाहर नहीं निकलने देंगे। यह भाषण 2014 का है, जो सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी के द्वारा दिया गया है। आज से लगभग 9 साल पहले पिता ने जिस पार्टी के लीडर को कुछ ऐसा बोला था, आज बेटा उसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन गया है। सम्राट चौधरी के हाथ में इतने बड़े जिम्मेदारी को सौंपने के पीछे दो मुख्य कारण है। पहला कारण, बीजेपी बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स के ऊपर काफी ध्यान दे रही है, क्योंकि बीजेपी को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स वोट बैंक के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। बिहार में OBC में सबसे ज्यादा यादव की जनसंख्या है, लगभग 14%, इसके बाद कोयरी और कुर्मी की लगभग 7-8%, और यही 7-8% वोट को बीजेपी पूरी तरह से अपने पक्ष में रखना चाहती है। दूसरा कारण, सम्राट चौधरी बीजेपी में आने के बाद से ही विपक्षियों के लिए एक आक्रामक भूमिका में रहे हैं। जब बीजेपी JDU के साथ गठबंधन में थी तब भी सम्राट चौधरी लगातार नीतीश कुमार पर अपने बातों से तंज कसते रहते थे, और गठबंधन टूटने के बाद सम्राट चौधरी का बीजेपी के प्रति एक अलग आकर्षण दिखने लगा, जैसे पगड़ी बांधकर बिहार में बीजेपी को सत्ता में लाने का कसम। क्या आप सम्राट चौधरी को बिहार का योगी मानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।